अत्याचार बनेगा सत्ता के गलियारों से। के दौर में भी हमने अच्छा काम देखा है, तुम हमें झूठा राम दिखाते हो, हमने सच्चा राम देखा। हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मुंब्रा के शाहीन बाग में विनय दुबे जी है, क्या कहेंगे आज के मुंब्रा के शाहीन बाग में आपका इंतजार हो रहा था और आप यहाँ पे हैं, क्या कहने से? सर, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पूरे देश में इस समय लगभग 1700 शाहीन बाग चल रही है, 1800 के आसपास, और उसमें एक मुंब्रा का भी शाहीन बाग है। मैं मुंबई से हूँ तो मुझे जहाँ तक है ये मेरे बहुत करीब है। मैं मुंबई बाग और मुंब्रा बाग, ये जो शाहीन बाग है ये बहुत नज़दीक है मेरे लिए और बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मेरे घर में हो रहा है एक तरह से। और जहाँ तक जिस हिसाब से ये चल रहा है, एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। जैसे कि NPR अभी आने वाला है, 1 तारीख से लागू होगा, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जो लागू महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि होगा नहीं, ये कन्फ्यूज़न थोड़ा चल रहा है। नहीं, जब भी एक सर्व समाज के लोगों ने जब वहाँ पर विज़िट किया था, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे के सामने उनके सब जब बैठक हुई थी, तो उद्धव जी ने ये वचन दिया था कि हम विधानसभा का सेशन ला के NPR और NRC के लिए एक प्रस्ताव पास करेंगे और महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि 1 मई से महाराष्ट्र में NPR लागू होगा, जो एक थोड़ा सा दुखद हमारे लिए भी था, क्योंकि हम लोगों की अपेक्षा थी महाराष्ट्र सरकार से कि वो हमारी जनभावनाओं को कीमत देंगे, उसको वैल्यू देंगे, और उसके आधार पर ये नहीं लाएंगे। लेकिन अगर अभी ये आ रहा है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक आंदोलन हमें इसके लिए करना पड़ेगा, ये हमें लगता है। जैसे कि आंदोलन हो रहा है, महिलाएं बैठ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखा था कि इनको उठाने की भी कोशिश की गई थी, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो हर जगह होगा ही, क्योंकि अगर ये आपसे मतलब ये दबा नहीं पाएंगे तो तानाशाही ये करेंगे ही करेंगे। आप दिल्ली का हालत देखिए, आज दिल्ली जल रहा है, ये कहीं ना कहीं उनकी बोलते ना भड़ास, उनके अंदर की जो घबराहट है वो निकालने के लिए जो कायर है ना, उनको हथियार दे के ये भेजते हैं कि आप जाओ लड़ो, और ये चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़ेंगी देश के अंदर। मुंबई मुंब्राबाग का 36वां दिन है, विनय दुबे जी आज इतना लेट क्यों हो गया उनको आने में यहाँ पर? मैं इसमें पूरे देश के दौरे पे हूँ और जहाँ तक कोशिश है कि जहाँ भी पहुँच सकता हूँ, अभी परसों ही मैं मराठवाड़ा से लौटा हूँ और कल थोड़ी तबीयत की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर, और जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि जहाँ पहुँच के मेरे भाइयों का साथ देना चाहिए, क्योंकि सब जगह ये संदेश जा रहा है कि केवल मुसलमान ही इसे कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूँ और मुझे गर्व है कि मैं अपने हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए आप भाइयों के साथ में हूँ, और मेरे जैसे तमाम समाज में हिंदू समाज के लोग हैं जो एकजुट हैं। जिस तरह से माहौल दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता अपने देश में हमेशा रही है, और मुझे नहीं लगता किसी के बाप में इतना दम है कि उसको बंद कर सके या बदला सके। सर, क्या कहेंगे जो हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए कुछ दो अल्फाज कुछ? देखिए, हमेशा जब भी नारियों ने क्रांति किया है देश में एक बदलाव आया है, और ये भी इस सदी का सबसे बड़ा क्रांति है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। अभी पूरे विश्व की जितनी भी मीडिया है उसमें इसकी चर्चा है, और जहाँ तक है कि ये सफल ही होगा, क्योंकि जो महिलाएं कर रही हैं वो अपने बोलते हैं ना कि प्योरिटी है उनके अंदर। एक महिलाएं कर रही मतलब अपना घर संभालना, बच्चों को संभालना, उसके बाद फिर यहाँ पे आके बैठना। एक पुरुष के आंदोलन में और महिला आंदोलन में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। उनको अपना घर भी संभालने हैं, बच्चे भी संभालने हैं, खाना भी देखना है, सोशल भी देखना है, उसके बाद भी अगर अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं तो इसमें भगवान भी साथ देता है। और सर, कितने दिन तक और चलेगा? सर, ये लड़ाई बहुत लंबी है, आप इतना आसान नहीं है, ये कोई मौसमी आंदोलन नहीं है, हमें इसका अंत नहीं पता है कि कब तक होगा, लेकिन जब भी अंत होगा ये सुखद अंत ही होगा, और जो हक भारत के सही के लिए है उसमें ही आएगा, ये हमें पक्का विश्वास है। देखिए, एक असहयोग आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा है वो मुझ पर भी लागू होता है, और देश के तमाम जितने भी शाहीन बाग हैं या जो भी इस कानून का विरोध करते हैं उनके ऊपर लागू होता है। उसमें हम लोग सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके घर पर आएगा उसके साथ कोई झगड़ा फसाद नहीं करना है, उनको चाय पानी पिलाए और सीधा सीधा बोलिए भैया हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, आपको जो कार्रवाई उचित लगती है आप करिए, बट हम जानकारी नहीं देंगे। और अगर NPR में एक बार आपने जानकारी दे दी तो फिर आपका मामला आपके हाथ से निकल जाता है, फिर NRC उसके ऊपर लागू हो जाए। अगला स्टेट है ना, ये जो NRC का ऑमलेट है ना, ये NPR के अंडे से ही बनेगा। इन शॉर्ट, संविधान तोड़ा गया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो समानता का अधिकार देता है कि भारत की भूमि पे, भूमि क्षेत्र पे आप किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जात, धर्म, भाषा और कलर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये पहली बार एक ऐसा कानून आया है जिसमें कि इन्होंने धर्म के आधार पर बंटवारा किया है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने।